तो नेक्स्ट ईयर्स गाइज अगर आप रिएक्ट के साथ सीख जाते हैं तो नो डाउट आपका फ्यूचर ब्राइट है जी। और इसमें कोई पैकेज की लिमिटेशन नहीं है कि इतना रहेगा, पैकेज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, रिएक्ट के अंदर आप एक कंपनी में काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे सुनने में आएंगी। आजकल कैसे काम होता है कि एक ही एप्लीकेशन है, उसमें मैं चाहता हूँ कि एक कंपोनेंट एंगुलर में हो, एक कंपोनेंट मेरा रिएक्ट पे हो, एक कंपोनेंट व्यू पे हो, इसको हम बोलते हैं माइक्रो फ्रंट एंड डेवलपर है। तो आज नहीं तो कल, अगर आप एक आज फर्स्ट ईयर है तो ये सब चीज़ें सीखना शुरू कर दो। जितना बताएंगे क्या DSA भी ज़रूरी है वो बताऊँगा आपको आगे। आप फ्रेशर लेवल पे एक साल दो साल एक्सपीरियंस में इन सब चीज़ों को मास्टरी कर लोगे, आपके लिए एज है। आप कभी भी मार्केट से आउटडेटेड नहीं होंगे, कभी आपको ये फील नहीं होगा कि मैं डाउन हो रहा हूँ। जो डिपेंडेंसी शिफ्ट हो गई है क्लास कंपोनेंट से चली गई है फंक्शनल कंपोनेंट में, पर अगर आप ये सब चीज़ें जानते हो तो आपका कभी फ्यूचर आउटडेटेड नहीं होगा, आप मार्केट में हमेशा बने रहेंगे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में, और आज मैं बात करने वाला हूं रिएक्ट डेवलपर के बारे में। आज मैं HTML CSS की बातें कम करूंगा, आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, रिएक्ट के अंदर आप एक कंपनी में काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे सुनने में आएंगी। और अगर आपकी अच्छी कमांड है इन सब चीज़ों के अंदर, नो डाउट गाइस आपका फ्यूचर ब्राइट है, राइट? आपको शायद मर्न स्टैक के बारे में सोचना ही ना पड़े एज अ फुल स्टैक, क्योंकि रिएक्ट के अंदर आप अभी जब ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे रिएक्ट में ही बहुत कुछ है। अगर मैं इनमें ही अपने आप को अच्छा कर लूँ तो रास्ते आपके लिए साफ हैं और ओपन हैं। और इसमें कोई पैकेज की लिमिटेशन नहीं है कि इतना रहेगा, पैकेज की कोई लिमिट नहीं है। आपके स्किल्स, जितने आपके स्किल होंगे उतना आपका पैकेज होगा, सिंपल बात है, ठीक है? तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस फ्रंट एंड डेवलपर का, अभी मैं एडिडास में काम कर रहा हूँ एज अ फ्रंट एंड डेवलपर रिएक्ट के अंदर। कंपनी में कैसे काम होता है, कंपनी कौन सी आर्किटेक्चर को फॉलो करती है, उसके बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो पूरा पैक्ड है गाइस, इसको आप पूरा देखना, समझने की कोशिश करना, मेरी एक एक बात को नोटिस करना और समझना कि वो यूज़ केस कहाँ फिट बैठ रहा है। अगर मैं कुछ आपको बता रहा हूँ तो वो कहाँ चीज़ फिट बैठ सकती है। ऐसा हो सकता है कि जो मैं आपको बातें बताऊँ उनमें से कुछ चीज़ आपकी कंपनी में यूज़ ना हो रही हो, बट कल को आप स्विच करोगे, कोई और कंपनी में जाओगे, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ दिख रही होंगी। बट ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आप जहाँ भी काम कर रहे होगे इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी कंपनी में यूज़ हो रही होंगी। तो पूरा देखना है वीडियो, लाइक करना, लाइक इमेज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग सोलो वीडियोज़ के लिए। बाकी कोई और नया टॉपिक हो तुम्हारे दिमाग में तो उसे कॉमेंट में ज़रूर लिखना, मैं ज़रूर कवर करूँगा। बाकी मैं पूरी वीडियो में, अगर आप किसी बात से डिसएग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, आपका कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो फ्रंट एंड के अंदर वो भी मेंशन करना, मैं जरूर पढ़ूंगा। तो सबसे पहले जी, जब हम बात करते हैं रिएक्ट डेवलपर की, राइट, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपको पता है कि रिएक्ट के अंदर हमारे पास क्लास कॉम्पोनेंट है, फंक्शनल कॉम्पोनेंट है, राइट? अब क्लास कॉम्पोनेंट जितनी भी नई एप्लीकेशन हैं रिएक्ट के अंदर डेवलप की जाती हैं कोई यूज़ नहीं करता है। सारा काम आपका कंपोनेंट ड्रिवन है, आप कंपोनेंट्स बनाते हो, उनको रीयूज़ करते हो, राइट? और अब सब कुछ जो डिपेंडेंसी शिफ्ट हो गई है क्लास कंपोनेंट से चली गई है फंक्शनल कंपोनेंट में, जहाँ पे हम फंक्शनल कंपोनेंट को डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे हम हुक्स यूज़ करते हैं। तो यदि आप अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपकी हुक्स में बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। अब कौन से ऐसे हुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं? यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट, यूज़ रेफ, यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक, ये ऐसे हुक्स हैं आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करेंगे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होते हुए दिखेंगे। तो रिएक्ट हुक्स गाइस वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी यूज़फुल लिंक्स हैं, जितनी मैं बातें करने वाला हूँ, इनके सबके फ्री रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फॉलो कर सकते हो। एक तुम्हारे माइंड में ज़रूर अभी क्वेश्चन आ रहा होगा वीडियो देखते टाइम कि जितना बताएंगे क्या DSA भी ज़रूरी है, वो बताऊंगा आपको आगे। बट ध्यान से देखिए, पूरा समझिए जो मैं बातें बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज़, अगर आपके हुक्स पे अच्छी कमांड होगी तो आप कंपोनेंट तो अच्छा लिख ही रहे होंगे, साथ साथ उन हुक्स को अप्लाई कर रहे होंगे, राइट? क्योंकि जब आप कंपोनेंट लिख रहे होंगे तो वो हुक्स वहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे, राइट? दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट कि अब क्लास कंपोनेंट जो लेगेसी एप्लीकेशंस हैं कंपनी के अंदर, जो पुरानी चलती हुई आ रही है, वहाँ पे आपको क्लास कंपोनेंट दिख सकता है, बट जो नई एप्लीकेशन लिखी जा रही है वो कम्प्लीटली रिएक्ट हुक्स के ऊपर ही हैं। तो मेरे हिसाब से आपका प्राइमरी फोकस रहना चाहिए रिएक्ट हुक्स। अगर आप हुक्स पे आपके अच्छे कम, हुक्स क्या है? हुक्स आर नथिंग, जस्ट फंक्शंस हैं, ठीक है? उसी को हम कंपोनेंट बोलते हैं, और फिर वो आपको JSX रिटर्न करता है, और वो JSX का आउटपुट आपके ब्राउजर पर दिख रहा होता है। क्या JSX और रिएक्ट सेम है? नहीं, JSX बिल्कुल अलग है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आप पढ़ते हैं रिएक्ट के अंदर या जो आप डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, सब चीज़ें अपने आप में अलग अलग हैं, राइट? रिएक्ट अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है, JSX अलग है, राइट? हाँ,
तरीका मिलता है आपको, आपको जब आप कोई भी HTML लिखते हो JSX के अंदर JSX के स्टाइल में, तो वो आपको एक ऑब्जेक्ट देता है, वही ऑब्जेक्ट लास्ट में रेंडर होता है आपके ब्राउजर पे, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब रिएक्ट में भैया ठीक है, हुक्स अच्छे हो गए हैं, मैं फंक्शन कंपोनेंट को समझता भी हूँ, लिख भी लेता हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट जनरेशन है और बहुत सारी कंपनी उसको अडेप्ट कर रही है, वो है आपका नेक्स्ट जीएस। तो नेक्स्ट जीएस जो है गाइस, वो है आपका रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर वेब एप्लीकेशन। और जब नेक्स्ट जीएस और रिएक्ट मिल जाते हैं, तो ये पूरा एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बन जाता है। और नेक्स्ट जीएस आपको अल्टीमेट चीजें प्रोवाइड करता है, फिर चाहे आपका बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन हो, वेब एप्लीकेशन आप बनाते हो, वहाँ पे इमेजेस यूज कर रहे हो, आप वहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज कर रहे हो, इमेज को अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है, कैशिंग मेंटेन करना है, तो नेक्स्ट जेएस आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करता है। इतना आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा, यूजर को फील ही नहीं होगा कि जब वो क्लिक करेगा अपने मेन्यू पे या किसी भी सेक्शन में, ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश भी नहीं होगा और आप फील कर पाओगे कि आप नेक्स्ट टैब में चले गए हो। तो ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करता है, डेटा फेचिंग आपको प्रोवाइड करता है, सीएसएस सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है, राउट हैंडलिंग आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली रिएक्ट जब आप नेक्स्ट एप्लीकेशन बनाते हो रिएक्ट के साथ, तो इसमें पेज फोल्डर बन जाता है, उसमें आपके सारे पेजेस रहते हैं। तो आपको इतना जो आप एड्रेस बार के अंदर यूआरएल लिखते हो, इतना सोचने की कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है जब आप नेक्स्ट और रिएक्ट को कंबाइन कर देते हो। बाकी इट्स वेरी पावरफुल इंजन, आपको डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर मिडल लेयर्स मिलती हैं। तो नेक्स्ट जेएस गाइस अगर आप रिएक्ट के साथ सीख जाते हैं, तो नो डाउट आपका फ्यूचर ब्राइट है जी। और नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट के कॉम्बिनेशन जो एप्लीकेशन बनेगी, वहाँ पे आपकी ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस एकदम अल्टीमेट आप अचीव कर रहे होगे। अब कुछ चीज़ें हम परफॉर्मेंस को और बेटर भी कर सकते हैं, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं अभी आगे बताता हूँ। बट नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट के अंदर आप फंक्शनल कॉम्पोनेंट और स्टेट और प्रॉप्स, राइट, तो बेसिक रिएक्ट तो रहेगा, उसकी सीरीज का लिंक मैंने दे रखा है, बट उसके साथ साथ आपकी हुक्स पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट जेएस के बारे में आपको बताया, अगर आपकी बकेट में ये रहेगा तो आपके लिए अच्छा चांस है। अब निकल के आता है स्टेट मैनेजमेंट। देखो जी, कोई भी वेबसाइट के अंदर एट द एंड क्या है, डेटा है, तो वो डेटा आपका एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जा रहा होगा। अब पूरी वेबसाइट के अंदर क्या कर रहे हो, एक कंपोनेंट आपका हेडर हो गया, एक आपका बॉडी हो गया, एक फुटर हो गया, राइट, उसके अंदर भी आप छोटे छोटे कंपोनेंट यूज कर रहे होते हो। बट अब स्टेट को मेंटेन करना, बेसिकली क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देयर आर लाइक हमारे पास रिडक्स टूल किट है, मोबेक्स भी कहीं कहीं जगह यूज़ हो रहा होता है कुछ कंपनीज के अंदर, तो ये सब क्या है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, ये लाइब्रेरीज हैं बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है, जब आप स्टेट मैनेजमेंट करते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, आप स्टेट यूज़ करते हो, प्रॉप्स यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 500 कंपोनेंट है, उन 500 कंपोनेंट के बीच में आपको डेटा एक्सचेंज करना है, तो आप कितना प्रॉप का यूज़ कर करके आप डेटा भेजोगे, कितना प्रॉप ड्रिलिंग करोगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक स्टेट बना लेते हैं, उसको ग्लोबल कर देते हैं कि भाई ये ऐसा डेटा है जो सभी कंपोनेंट में चाहिए ही चाहिए। तो हम एक स्टेट ग्लोबल बनाते हैं और वही स्टेट का डेटा सभी कंपोनेंट के अंदर शेयर हो रहा होता है। यहाँ पे आप स्टोर बनाते हो एंड देयर एक्शंस होते हैं, वो हम पास करते हैं, डिस्पैच करते हैं, तो ये पूरा बिहेवियर रहता है जब आप रिडक्स टूलकिट सीखते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला, हुक्स बोला, ठीक है भैया। सेकेंड, नेक्स्ट जेएस अगर आप कर लेते हो आपका, ये मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कैसे अपना फ्रंट एंड पोर्टफोलियो आप स्ट्रॉन्ग करें, ये आपको बहुत फायदा देगा। एंड थर्ड इज रिडक्स, या फिर वैसे ज़्यादातर आपको रिडक्स ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिख रहा होगा, बट कुछ कंपनीज के अंदर वो मोबेक्स भी यूज़ कर रहे होंगे। बट जिसको रिडक्स आता है वो इजीली किसी भी चीज़ में शिफ्ट हो सकता है, किसी भी और स्टेट मैनेजमेंट वाले टूल में शिफ्ट हो सकता है, लाइब्रेरी में शिफ्ट हो सकता है। अब जो मैं नेक्स्ट बोलने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें गाइज एडवांस हैं। अगर आप फ्रेशर लेवल पे एक साल दो साल एक्सपीरियंस में इन सब चीज़ों को मास्टरी कर लोगे, आपके लिए एज है, आप कभी भी मार्केट से आउटडेटेड नहीं होंगे, कभी आपको ये फील नहीं होगा कि मैं डाउन हो रहा हूँ या मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। क्योंकि अगर आप ये सब फ्लेवर लेके जाओगे ना अपने पोर्टफोलियो में, आपको, मुझे नहीं लगता आप कभी मार्केट से आउटडेटेड हो पाओगे। नेक्स्ट इज टाइपस्क्रिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखते हो रिएक्ट के साथ, अब ये एक मैंने गूगल से ही पूछा था, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने गूगल से पूछा कि भाई शुड वी लर्न टाइपस्क्रिप्ट विद रिएक्ट, तो गूगल ने कहा इट इज़ नेसेसरी टू बिल्ड रिएक्ट प्रोजेक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट, इनिशियली इट मे फील लाइक एक्स्ट्रा वर्क टू राइट टाइप्स फॉर ईच प्रॉप्स। अब जो भी डेटा आ रहा है, जो भी प्रॉप्स आपके पास आ रहा है, वो किस टाइप का है, अगर आप उसका टाइप पहले ही डिफाइन कर दोगे, तो आप सोचिए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ही आपको सारे एरर फिल्टर हो जाएंगे, आप डेटा को सैनिटाइज कर पाओगे, भाई ये इंटीजर टाइप का है। तो बेसिकली गाइस टाइपस्क्रिप्ट आपको वो ऐसा एक्सपीरियंस देता है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हम लैंग्वेज की बात करते हैं, वो सब फीचर्स आपको वहाँ मिल रहे होते हैं, आपका टाइप पहले से ही क्लियर होगा किस टाइप का प्रॉप आपको रिसीव हो रहा है। तो कंपाइल टाइम पे ही जब आपकी एप्लीकेशन इंटरप्रेट हो रही होगी, उस टाइम पे आपको सारे एरर शो हो जाएंगे।
और ये एक प्लस पॉइंट है और आपकी एप्लीकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ फीचर, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट, अगर आप इन तीन कॉम्बिनेशन के साथ एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, और नो डाउट आप किसी कंपनी में काम करेंगे, उनकी जो एप्लीकेशन होगी ये सब चीज़ें यूज़ कर रही होंगी। सो टाइपस्क्रिप्ट गाइस वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग है, ठीक है। और जैसा मैं बात कर रहा हूँ डेटा की, अब डेटा को मैनेज करना समटाइम वेरी डिफिकल्ट। अब आपके पास बहुत सारा डेटा आ रहा है, राइट? आपने देखा होगा जब आप कोई शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हो, आप स्क्रॉल करते हो, डेटा लोड हो रहा होता है, राइट? सो उन सब चीज़ों के लिए भी हमारे पास लाइब्रेरीज हैं। रिएक्ट इज, मैंने कहा रिएक्ट सब कुछ नहीं कर रहा है, देयर आर एन नंबर ऑफ लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज, राइट, जो हमें हेल्प करती हैं एप्लीकेशन को डेवलप करने में। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है रिएक्ट वर्चुअलाइज, राइट? अब रिएक्ट वर्चुअलाइज लाइब्रेरी क्या करती है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो जो भी आपका डेटा है, अगर आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ लिस्ट है, उसको आपको मेंटेन करना है कि भाई ऐसा ना हो कि यूज़र स्क्रॉल ही करता रह जाए, भाई ब्राउज़र थक जाएगा, तो उन सब चीज़ों को मेंटेन करना, यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, रिएक्ट वर्चुअलाइज लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हो। ये ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमनली एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं। अब एक और बात आती है एनिमेशंस की, राइट? अब रिएक्ट में जब बात करते हैं, स्पेशली वेब के अंदर, एनिमेशन इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको नहीं मिलता है रिएक्ट के अंदर। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है रिएक्ट स्प्रिंग, राइट? ये जो लाइब्रेरी है गाइस आपको एनिमेशन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा खतरनाक एनिमेशन कर पाओगे, बट उतनी कर पाओगे जो एक यूज़र को अच्छा फील करवाएंगी, राइट? टेक्स्ट बेस्ड एनिमेशन आप अच्छे से कर सकते हो। तो ऐसी कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं जिसपे अगर आप थोड़ी बहुत POC कर लो तो आपको बहुत एडवांटेज रहेगा। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें अगर आप यूज करोगे तो आपको बहुत एडवांटेज रहेगा। रिएक्ट वर्चुअलाइज हो गया, रिएक्ट स्प्रिंग हो गया, ये ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो आपको बहुत हेल्प करती है एक एप्लीकेशन को डेवलप करने में। अब जो नेक्स्ट चीज है गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, जो है आपका टेस्टिंग लाइब्रेरी, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी जस्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं जस्ट आपको क्या फ़ायदा देता है, देखो अभी तक जो हम पहले एप्लीकेशन टेस्ट करते थे वो थी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ही, जो मेथड लिखा उसको टेस्ट कर लिया। अब बहुत ज़रूरी है आपका UI इंटरफेस का टेस्ट होना, आपकी हेडिंग है उसको टेस्ट करना, एक ड्रॉप डाउन है उसमें क्या वैल्यूज़ हैं उसको टेस्ट करना। तो एप्लीकेशन के अंदर एक मॉक फोल्डर बनाते हैं, उसमें डमी डेटा डाल देते हैं और फिर हम जस्ट लाइब्रेरी का यूज़ करके, जो आपको बहुत सारे हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड करता है, उन फंक्शन का यूज़ करके आप गेट टेक्स्ट कर रहे होते हो, जो ब्राउज़र पे हेडिंग है उससे गेट टेक्स्ट रिसीव कर रहे होते हो और टेस्ट कर रहे होते हो, एक्सपर्ट कर रहे होते हो, एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, सॉरी, और एक्सपेक्ट करने के बाद आप वैलिडेशन कर रहे होते हो कि ये डेटा ठीक है नहीं है। तो UI बेस्ड टेस्टिंग बहुत ज्यादा बड़ी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक रिएक्ट डेवलपर है तो आपको जस्ट में आपका हैंड्स ऑन बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने जो बात करी, क्या क्या करी, हमने बात करी रिएक्ट हुक के बारे में, नेक्स्ट जेएस के बारे में, रिडक्स टूल किट के बारे में, और टाइपस्क्रिप्ट के बारे में, और रिएक्ट वर्चुअलाइज और रिएक्ट स्प्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, वो आप साथ साथ काम करते करते सीखोगे, बट ये वो सब चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप फ्रंट एंड में रिएक्ट के अंदर हैं, एंड टाइपस्क्रिप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैकेजेस निकल के आते हैं, जैसे परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम वेबपैक यूज़ करते हैं। वेबपैक इज़ व्हाट? वेबपैक कंपाइल करता है आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को, और पूरे कोड को कंपाइल करने के बाद आपको लास्ट में एक सिंगल JS फाइल देता है। फॉर एग्जांपल आप 100 फाइल यूज़ कर रहे हो JS की, तो आपको एक सिंगल फाइल दे देगा। आप 100 फाइल कर रहे हो यूज़ कर रहे हो CSS की, आपको एक सिंगल फाइल दे देगा CSS की। आप फॉन्ट यूज़ कर रहे हो, वेबपैक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वेबपैक इंटरनली यूज़ करता है डिपेंडेंसी ग्राफ, उसमें सारी डिपेंडेंसीज को ऐड करता जाता है और लास्ट में आपको एक बंडल फाइल देता है, सिंगल फाइल देता है। और ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वेब परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग है वेबपैक। एक और अल्टरनेटिव है वेबपैक के साथ, आता है पार्सल। बहुत ही मतलब मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैंने एप्लीकेशन POCs बनाई हैं, पार्सल का मैंने अभी यूज़ किया था। HMR आपने सुना होगा, पोर्ट मोड रिप्लेसमेंट, आप कुछ भी चेंज करते हैं तुरंत आपको ब्राउज़र पे दिखता है। गाइस बिलीव मी, ट्री शेकिंग एल्गोरिथम, फाइल वॉचिंग एल्गोरिथम इंटरनली वो यूज़ कर रहा होता है एंड वेरी स्मार्ट। जो डेड कोड होता है उसको इग्नोर कर देगा, डेड कोड जो आपके एप्लीकेशन में यूज़ नहीं हो रहा है, राइट? और जब वो बंडल बनाएगा तो उसको इग्नोर कर देगा। तो इस तरीके से स्मार्टली वो मैनेज कर रहा होता है, कैशिंग मेंटेन करता है इंटरनली, ताकि यूज़र जब यूज़ करे एप्लीकेशन को तो कैशे मेंटेन रहे और यूज़र को बार बार एंड पॉइंट हिट ना कराना पड़े टेक्निकली, वो कैशे से ही आपको डेटा स्क्रीन पर दिखता रहे। तो इस तरीके के बेनिफिट्स आपको वेबपैक से मिल रहे होते हैं। एट द एंड आप एप्लीकेशन जब डेवलप करते हो उसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, उन्हीं डिपेंडेंसीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेबपैक है, राइट? अब जो कंपनीज में काम होता है गाइज वो है माइक्रो फ्रंटेंड आर्किटेक्चर पे। तो मान लीजिए आजकल कैसे काम होता है कि एक ही एप्लीकेशन है, उसमें मैं चाहता हूँ कि एक कंपोनेंट एंगुलर में हो, एक कंपोनेंट मेरा रिएक्ट पे हो, एक कंपोनेंट व्यू पे हो। इस
को हम बोलते हैं माइक्रो फ्रंटेंड आर्किटेक्चर। तो बहुत सारी कंपनीज, इवन हमारी कंपनीज में भी हम माइक्रो फ्रंटेंड आर्किटेक्चर पे ही काम करते हैं। एंड उसमें हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है विच इज़ होस्ट एप्लीकेशन, और उसके अंदर छोटी छोटी रिमोट ऐप्स होती हैं जो आपकी रिएक्ट पे भी हो सकती हैं, व्यू पे भी हो सकती हैं और एंगुलर पे भी हो सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके का आपको आर्किटेक्चर देखने को मिल सकता है। एंड इसके अलावा गिट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं अभी ना क्लाउड पे नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली अभी रिएक्ट डेवलपर की बात करूँ, मैं डेवऑप्स पे नहीं जा रहा। ये खाली रिएक्ट डेवलपर, अगर आप ये सब चीज़ें जानते हो तो आपका कभी फ्यूचर आउटडेटेड नहीं होगा, आप मार्केट में हमेशा बने रहेंगे। एंड गिट का नॉलेज होना चाहिए, बट लास्ट बट नॉट लीस्ट HTML CSS आपका अच्छा होना चाहिए, जो मैंने लास्ट में रखा है। CSS का एक फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा दो HTML CSS में, बट हाँ, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक JavaScript डेवलपर है, आप React डेवलपर है, आपके दो काम निकल के बहुत ज़्यादा आएंगे। पहला, या तो आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर रहे होगे, React का पार्ट आपका कम रहेगा, CSS का पार्ट ज़्यादा रहेगा। दूसरा, आप कोर React डेवलपर होंगे, आप डेवलपमेंट ही ज़्यादा कर रहे होंगे, CSS आप यूज़ कर रहे होंगे बट लिटिल बिट, राइट। बट वो डिपेंड करता है, जब कंपनी में जाएंगे तो आपको कैसा काम मिलता है वो चीज़ें वहाँ डिपेंड करेंगी। बट जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, रिएक्ट हुक्स बताया, नेक्स्ट जेएस बताया, टाइपस्क्रिप्ट बताया, रिडक्स टूलकिट के बारे में बात करी, और अगर बहुत सारा डेटा है उसको मेंटेन करना हो, मैनेज करना हो लिस्ट के अंदर, तो हमारे पास रिएक्ट वर्चुअलाइज्ड है, राइट, और रिएक्ट स्प्रिंग है फॉर एनिमेशन। टेस्टिंग लाइब्रेरी के बारे में बात करी, वेबपैक के बारे में बात करी, माइक्रो फ्रंटेंड के बारे में बात करी। तो अगर आप एक रिएक्ट डेवलपर हैं तो आज नहीं तो कल, अगर आप एक आज फर्स्ट ईयर है तो ये सब चीज़ें सीखना शुरू कर दो, क्योंकि आप धीरे धीरे, अगर आप रिएक्ट प्रोफाइल में रहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको फैमिलियर होना ही पड़ेगा। फ्यूचर की बात करूँ तो आपको लगता है कि ये मार्केट से आउटडेट हो पाएगा? मुझे नहीं लगता यार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको लगता है आपको मर में जाना चाहिए? जा सकते हो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो या आपका अपना इंटरेस्ट है। मेरे को लगता है रिएक्ट पढ़ने में मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, इतना कुछ है रिएक्ट के अंदर। सो ये था जी फ्यूचर ऑफ रिएक्ट डेवलपर। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस आपके लिए वीडियो बहुत काम आया होगा। और मैंने जितने यूज़फुल लिंक्स हैं, फ्री रिसोर्सेज सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके उन्हें पढ़ सकते हो, कोई आपसे पैसे नहीं लेगा, बिल्कुल फ्री है। और कुछ मेरा एक्सपीरियंस भी है उसमें। अब DSA, क्या DSA आना चाहिए? देखो जी, DSA के लिए मेरा क्लियर सजेशन है आपको, मेरी खुद की प्लेलिस्ट है फ्रंट एंड लोगों के लिए, ये 22 से 25 मैंने वीडियो बना रखी हैं, जिसमें स्ट्रिंग, एरे, मैप, सेट, ये चारों कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आप वो प्रॉब्लम अपने हाथ से सॉल्व कर लेते हो तो आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। आई एम नॉट सेइंग फैंग कंपनीज के लिए, क्योंकि फैंग का थोड़ा अलग रहता है, उनके लिए चाहे फ्रंट एंड है बैक एंड, उनका लेवल एक ही है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो सर्विस बेस्ड कंपनी, आप इजिली क्रैक कर सकते हो, ठीक है? जो बात है क्लियर है यार, ठीक है जी। तो ये था जी फ्यूचर ऑफ रिएक्ट डेवलपर। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी और भी मेरी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू कैन गो एंड वॉच। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना, मैं जरूर कवर करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक मैंने रखा है 5000 का, 5000 में कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, बाय।